हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 96 वीडियोस अपलोड किए हैं, और जो भी मेरा वीडियो नंबर 96 था, तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 130 है उसके ऊपर का कॉन्ट्रा एंट्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वहां पे मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया था, राइट। और वो इसके बाद वहां पे हमने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी अपन बैंक में वहां पे कैश डिपॉजिट करेंगे या बैंक में से हम जब भी वहां पे कैश विड्रॉ करेंगे, ये सारे सिचुएशन में वहां पे उसका एग्जैक्टली किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्री आएगा या किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट आएगा वो भी वहां पे हमने देख लिया था। और उसके बाद वहां पे मैंने आपको जो हमारा कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है कैश बुक का, उसका बैलेंसिंग कैसे करना है वो वहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज का जो भी मेरा वीडियो नंबर 97 होगा गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 132 है इसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपन यहां पे देख लेंगे, है ना। तो देखो यहां पे उन्होंने क्या दिया है, यहां पे उन्होंने हमको बोला है प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स। ओके, तो हमको यहां पे क्या करना है बोलो कि जो भी सीमा ट्रेडर्स है उसका हमको यहां पे टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी इतना याद रखना माय डियर कि जब भी आप वहां पे कैश बुक को प्रिपेयर करते हो ना, तो वो टाइम पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको उन्होंने कैश बुक किस या जो भी डिटेल्स दिए हैं, राइट, या जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन दिए वो उन्होंने हमको किस मंथ के दिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो उन्होंने हमको यहां पे जनवरी मंथ के सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, और इसके बेसिस पे हमको यहां पे कैश बुक को प्रिपेयर करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी उन्होंने हमको यहाँ पे डायरेक्टली बोले ना टू कॉलम कैश बुक, तो टू कॉलम कैश बुक मतलब क्या, ऐसा कैश बुक जिसके अंदर हमारा कैश का भी कॉलम रहेगा और जिसके अंदर हमारा बैंक का भी वहां पे कॉलम रहेगा। तो जब भी अपन वहां पे कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले वहां पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ, मतलब अपन किसके बुक में कर रहे, तो वहां पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स, और नीचे वहां पे लिखूंगा कैश बुक, नीचे क्या लिखूंगा कैश बुक। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। अभी इतना याद रखना यार कि जब भी आप वहां पे कैशबुक का फॉर्मेट बनाओगे तो आपको वहां पे दो पेजेस पे आप लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मान लो नोटबुक है, राइट, तो ये नोटबुक का जो लेफ्ट साइड है ये आप रिसीट साइड वहां पे करो और राइट वाला जो है आप पेमेंट साइड करो, मतलब क्या होगा आपका थोड़ा सा वहां पे प्रॉपर वे से आप वहां पे लिख पाओगे, राइट। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं वो, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट में क्या किया है, तो ये डेट रिसीट, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये जो भी छह कॉलम है ना यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा डेबिट साइड है। ओके, और जो राइट साइड में डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये हमारा कौन सा है बोले जिसे मुझे क्रेडिट साइड है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहां पे फॉर्मेट को प्रिपेयर करके रखना है। अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए ना, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को अपन कैशबुक में वहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप वहां पे देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने आपको 1 जनवरी 2019 का दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बराबर। अभी इसका मतलब क्या है बताओ, कि हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश लेके आए। अभी इतना याद रखना कि जब भी आप वहां पे कैश बुक प्रिपेयर करोगे तो आपको बस इतना देखना है कि हमारे पास कैश आ रहा है कि हमारे पास से कैश जा रहा है, राइट। अगर आपको पैसा आता होगा तो आप कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, और अगर आपके पास से पैसा जाता होगा तो आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड में, बस इतना याद रखना। अभी सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आते तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं, बराबर। तो इसलिए देखो यहाँ पे उन्होंने 2019 जनवरी 1 में यहाँ पे 2 कैपिटल लिखा है, और यहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो उन्होंने कैश कॉलम में 60,000 लिखा हुआ है, ध्यान में आएगा। जब भी कैश वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे तो अपन उसको कैश कॉलम में लिखेंगे, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक के रिलेटेड रहेगा तो अपन उसको बैंक कॉलम में लिख देंगे। ओके, दूसरा देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अभी ना गाइस, ये जो कैश बुक को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास दो मेथड्स है, राइट। पहला आप क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री आपके माइंड में वहां पे आप एक बार क्रिएट करके उसका पोस्टिंग कर सकते हो, वैसा किया तो भी चलेगा। या फिर दूसरा आपको इतना याद रखना है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, बराबर, मतलब हमारे पास से कैश गया है ना, कैश गया मतलब क्रेडिट साइड है ना, ऐसा भी आप वहां पे क्या कर सकते हो बोलो, याद रख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कैशबुक के क्वेश्चन करोगे तो वो टाइम पे आप क्या करो, जर्नल एंट्री एक बार माइंड में रिकॉल करो और उस हिसाब से आप वहां पे पोस्टिंग कर देना। तो अगर आप यहाँ पे 4 जनवरी का देखोगे तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी अपन वहां पे बैंक ऑफ इंडिया में कैश को डिपॉजिट करेंगे इसका एंट्री क्या आएगा बताओ, तो इसका मेरा एंट्री आएगा माय डियर बैंक ऑफ इंडिया
अकाउंट डेबिट टू आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि अपन बैंक ऑफ इंडिया में पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट आएगा बराबर। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बोलो, 25,000 और 25,000, इतना आपको समझा। अभी मुझे एक बात बताओ आप कि ये भी, ये जो भी उन्होंने हमको ट्रांजेक्शन दिया है राइट, तो ये ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा बैंक और कैश ये दोनों इंक्लूडेड है क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पे हमारा दोनों इंक्लूडेड है ना। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन है ना, इसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ये ट्रांजेक्शन में हमारा कैश और बैंक के दोनों आया है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, इतना समझा। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हुआ है बताओ, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? हमको क्या करना है, बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट, मतलब बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया, तो मैं क्या करूंगा माय डियर, मैं जाऊंगा कैशबुक के डेबिट साइड में, यहां पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से कैश गया है ना, देखो बैंक ऑफ इंडिया टू कैश है, तो मैं क्या करूंगा कैशबुक के डेबिट में लिखूंगा टू कैश, और इसका जो फिगर है ना मैं लिखूंगा बैंक कॉलम में 25,000। बैंक में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट हुआ है, इसका मतलब हमारे कैशबुक में जो बैंक कॉलम है उसके डेबिट साइड में लिखना है। याद आएगा आपको, ध्यान में रहेगा आपको पक्का हर एक चीज है। मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने कैशबुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में मैंने वहां पे फिगर लिख दिया है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने बैंक कॉलम के डेबिट में लिखा 25,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे दोगे, तो आपके पास से कैश जा रहा है बराबर ना, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, मतलब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे कैश कॉलम में 25,000। ठीक है, देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को है ना कॉन्ट्रा एंट्रीज में ही बहुत दिक्कत आता है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्रीज के जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है वो सारे के ट्रांजेक्शन एक बार आप अच्छे से देख लेना, आपको हर एक चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके चलो अभी अपन आगे जाते, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हमको कैश परचेसेस बराबर, तो कैश परचेसेस मतलब क्या आएगा बताओ, कि हमने परचेसेस किया और हमारे पास से कैश जाएगा बराबर है ना, तो उसका एंट्री क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से अपन, तो उसका एंट्री अपन लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं कैश परचेसेस करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा क्या, मेरे पास से पैसा जाएगा, तो इसका आंसर है मेरे पास से पैसा जाएगा बराबर। तो पैसा जा रहा है मतलब कहां पे लिखने का बोलो, क्रेडिट साइड में लिखने का, पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट साइड बराबर। तो मैं जाऊंगा कैशबुक की क्रेडिट साइड में, वहां पे देखो 6th of January का ट्रांजेक्शन है, तो मैं यहाँ पे डेट कॉलम में जाके 6th of January लिखूंगा, और वहां पे मैं लिखूंगा बाय परचेसेस, और ये जो अमाउंट है कितना 6,000, ये मैं कहां पे लिखूंगा बताओ, तो 6,000 का अमाउंट में लिखूंगा वहां पे कैश कॉलम में, कहां पे लिखूंगा बोलो, कैश कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट हुआ वो कैश में हुआ है ना। तो आई होप गाइस अभी तक मैंने आपको जो तीन ट्रांजेक्शन बोले वो आपको टकाटक समझे होंगे। अभी देखो अगला यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, 10th of January का परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। इसका मतलब क्या रे बताओ, कि हमने यहाँ पे क्या किया बोलो, कंप्यूटर परचेस किया ऑफिस यूज के लिए, और कितने का परचेस किया हमने, 22,000 का परचेस किया बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर परचेस किया, कुछ नहीं बोला है ना उन्होंने, ऐसे कुछ बोला है क्या कि हमने वो कंप्यूटर का पेमेंट ये कैश से किया क्या बैंक से किया, कुछ नहीं बोला है। तो अपन वहां पे एज्यूम करेंगे हमने वो जो पेमेंट है वो हमने वहां पे कैश में किया है। ओके तो मुझे एक बात बताओ, अभी जब भी अपन वहां पे कंप्यूटर परचेस करेंगे राइट, तो उसका एंट्री क्या आएगा रे बताओ, कंप्यूटर आएगा, मतलब एंट्री क्या करोगे बोलो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ध्यान में आया आपको। अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन कंप्यूटर परचेस करेंगे मतलब हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब कहां पे बोलो, क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके इतना याद रखना माय डियर, अगर पैसा आ रहा है तो कैशबुक के डेबिट में लिखो, पैसा जा रहा है तो कैशबुक के क्रेडिट में लिखो, अगर पैसा आ रहा है और कैश में आ रहा है तो डेबिट साइड के कैश कॉलम में लिखो, पैसा जा रहा है और कैश में जा रहा है तो कैशबुक के क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में लिखो, बस इतना याद रखना, याद रहेगा ना याद पक्का आपको। चलो फिर तो यहाँ पे देखो मेरा कब परचेस किया, 10 तारीख को मैंने परचेस किया, तो यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 10th of January, और वहां पे मैं लिखूंगा बाय कंप्यूटर अकाउंट 22,000। ओके आई होप आपको याद तक टकाटक समझ गया होगा। अभी देखो आगे क्या लिखा है उन्होंने 15 January का, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक। अभी इतना याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना,
देखो माय डियर, यहाँ पे आपने क्या किया, राकेश एंड कंपनी को यहाँ पे आपने सेल किया बराबर, और उसका जो भी आपको यहाँ पे पेमेंट मिला वो आपको बेयरर चेक से मिला। अभी मैंने आपको कल ये बोला था कि नहीं बोलो कि बेयरर चेक मतलब है ना आपको वहां पे कैश ही एज्यूम करना है। बेयरर चेक मतलब क्या आपको एज्यूम करना है, बोलो कैश एज्यूम करना है, याद रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी वहां पे हम कोई भी सेल करते हैं और हमको पैसा आता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, तो वहां पे अपन एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, हम करते वहां पे सेल्स अकाउंट एंट्री, क्या करते हैं बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे, याद रहेगा पक्का आपको। तो अभी इसका मतलब देखो, मुझे पैसा आया, पैसा आया मतलब कौन सी साइड, चलो मुझे बताओ जल्दी से, पैसा आया मतलब हमारा डेबिट साइड राइट। तो मैं जाऊंगा कैश बुक के डेबिट साइड में और वहां पे मैं लिखूंगा पहले डेट, देखो यहाँ पे 15th of January को सेल किया ना अपन ने, तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा सबसे पहले डेट कॉलम में जाके 15th of January, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा बोलो कैश कॉलम में लिखूंगा 10,000। ध्यान में आया क्या, मैं वापस बोल रहा हूँ बेयरर चेक मतलब क्या आपको एज्यूम करना है, आपको कैश एज्यूम करना है, वहां पे बैंक में लिखने का नहीं। ओके चलो बढ़िया है, अभी देखो आगे कौन सा बोल रहा है, 20 को यहाँ पे 20 जैन को, राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मुझे एक बात बताओ यार कि यहाँ पे हमने क्या किया बताओ, राकेश का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया बराबर। अभी थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, राकेश के पास से मुझे जो भी चेक आया था वो चेक कौन सा था रे, बेयरर चेक था, वो कौन सा चेक था, बेयरर चेक था बराबर। और बेयरर चेक मतलब ही मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या रहता है हमारा कैश रहता है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अभी मैंने बेयरर चेक को बैंक में डिपॉजिट किया मतलब मैंने कैश को ही बैंक में डिपॉजिट किया, ध्यान में आ रहा है आपको पक्का। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैं यहाँ पे 20 तारीख को वो जो 10,000 रुपया है अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आएगा है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू करूंगा यहाँ पे कैश अकाउंट है ना, ये किसका एंट्री है बोलो, मैंने राकेश के पास से जो बेयरर चेक आया था, बेयरर चेक मतलब ही कैश, उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट करने का ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया बराबर। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी मैंने एंट्री किया राइट, तो ये एंट्री में यहाँ पे मेरा कैश एंड बैंक ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है क्या नहीं है, हाँ दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो जब भी मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश एंड बैंक ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होगी तो उसको अपन क्या बोलते बोलो, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, उसको अपन क्या बोलते बताओ, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, याद रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ अभी आप लोग कि यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा एंट्री आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर, इसका मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे लिखना है और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है, इतना याद रखो राइट। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब क्या कि जो भी मेरा फिगर है ना वो मुझे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, ध्यान में आएगा क्या। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब मैं क्या करूंगा, कैश बुक के डेबिट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, डेट पहले लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, याद रहेगा कि मैं वापस बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट मतलब हमको ये जो फिगर है ना 10,000 ये मुझे बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है मतलब ये फिगर मुझे कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, याद रहेगा क्या। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है मालूम है क्या, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा कैश एंड बैंक ये दोनों हमने एक साथ बनाए इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या याद रखना है, बैंक को डेबिट मतलब कैश बुक के अंदर, सुनो मेरी बात ध्यान दो एकदम अच्छे से ध्यान दो, आपको समझ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बात को समझ लो, बैंक को डेबिट मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में फिगर आना चाहिए, एकदम इजी है, क्या बोला मैंने, बैंक को डेबिट मतलब कैशबुक के बैंक कॉलम के, कैशबुक के बैंक कॉलम के डेबिट में आना चाहिए, याद रहेगा। और कैश को क्रेडिट मतलब कैशबुक के कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इतना याद रहेगा अभी आपको। तो देखो अभी मैं जाऊंगा कैशबुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 10,000, और मुझे एक बात बताओ बैंक को डेबिट क्यों हुआ, कैश की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने टू कैश लिखा है, आपको ध्यान में आएगा पक्का। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो मैं जाऊंगा कैश बुक के कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में और यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक है ना, क्योंकि कैश को क्रेडिट तो बैंक की वजह से हुआ।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, लेकिन आपको समझ जाएगा राइट। जैसे जैसे अपन और दो चार क्वेश्चन करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज वाले, तो आपको और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो मैंने लिखा 10,000। सिर्फ इतना याद रखना कि जो भी इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होता है वहां पे आपको क्या लिखना है, बोलो सी लिखना है। वहां पे आपको क्या लिखना है, सी लिखना है, याद रहेगा ना, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, चलो अभी देखो आगे क्या बोल रहा है। पेड कैरेज 24 को अभी मैंने पे किया, मतलब मेरे पास से पैसा गया है ना, इतना याद रखना। पैसा जा रहा है मतलब कहां पे लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट कॉलम में 24, यहाँ पे लिखूंगा बाय कैरेज अकाउंट। और कितना मैंने पे किया देखो, 300, कुछ नहीं बोला है। तो क्या एज्यूम करना है, आपने पे किया है उसको कैसे, बोलो कैश से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश कॉलम में 300। इतना क्लियर है क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाओ अगर आपको कुछ भी वहां पे डाउट रहेगा तो। राइट, अभी देखो यहाँ पे 25th में क्या लिखा है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब एक बात बोलू, विड्रॉन मतलब क्या रे, बोल सकते हो क्या आप मुझे, विड्रॉन मतलब मैंने हमारे बिजनेस में से पैसा निकाला। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि हमने बैंक में से पैसा निकाला, राइट। तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब ये हमारा ड्रॉइंग्स हुआ। अभी मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरा एक बिजनेस है और मैंने खुद के लिए क्या क्या बोलो पैसे को निकाला, तो जब भी मैं पैसे को बिजनेस में से निकालूंगा तो बिजनेस में से कैश जाएगा, याद रहेगा ना पक्का। तो देखो ड्रॉइंग्स का हमेशा एंट्री क्या आता है, ड्रॉइंग्स का एंट्री आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या आता है बोलो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू आता है हमारा कैश अकाउंट, मतलब मेरे बिजनेस में से ड्रॉइंग्स के लिए पैसा गया है ना। तो पैसा गया मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड, इतना याद रखना। ओके, तो कितना पैसा गया बताओ जल्दी से मुझे, 3000। तो मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड में, यहाँ पे पहले डेट लिखूंगा और वहां पे लिखूंगा बाय ड्रॉइंग्स और यहाँ पे लिखूंगा 3000। ओके, देखो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे हर एक इसके नीचे नैरेशन भी लिखा है, राइट। तो आपको चाहिए तो आप वहां पे नैरेशन भी लिख सकते हो, जैसे आप जर्नल में कैसे नैरेशन लिखने के, उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने नैरेशन लिखे। जैसे यहाँ पे देखो ना मैंने बाय ड्रॉइंग्स किया है, मतलब क्या कि हमने वहां पे बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो वहां पे आप नैरेशन लिख सकते हो बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ऐसे आप वहां पे लिख सकते हो। ओके, चलो अभी देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने 30 को, रेंट पेड रेंट बाय चेक। बाय चेक मतलब मुझे एक बात बताओ भैया, बाय चेक मतलब मैंने बैंक से पैसा दिया, बाय चेक मतलब मैंने बैंक से पैसा दिया, इसका मतलब मैंने जो रेंट पे किया उसका पैसा मेरे बैंक में से गया होगा, बराबर है क्या नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर पैसा गया तो कौन सी साइड में लिखने का, पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड, पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड, राइट। तो मैं जाऊंगा कैश बुक के क्रेडिट साइड में, वहां पे मैं डेट लिखूंगा 30, क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 को रेंट का पेमेंट किया है, बराबर। तो यहाँ पे मैंने 30 लिखा और यहाँ पे लिखूंगा बाय रेंट अकाउंट, और वहां पे आप नैरेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेंट बाय चेक, है ना। और आपने चेक से दिया मतलब बैंक से गया, तो अपन फिगर जो लिखेंगे बैंक कॉलम में लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे टाइम पे, अपन बैंक कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे कैश में मत लिखना, क्योंकि यहां से आपने यहाँ पे आपने जो पेमेंट किया वो आपने चेक से किया। ओके, अभी अगर आप देखोगे माय डियर तो यहाँ पे ना आप उन्होंने जितने भी ट्रांजेक्शन दिए ना वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, इतना क्लियर है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने जो भी कैश बुक प्रिपेयर किया ये कैश बुक हमने यहाँ पे कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर किया, बोलो तो हमने ये किया जनवरी मंथ के लिए, यस और नो। तो इतना याद रखना यार कि जाने जो भी अपना कैश बुक हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ना, कैश बुक का हम जब भी बंद करेंगे ना तो हमेशा वो मंथ एंड पे होगा, कब होगा, मंथ एंड पे। तो मुझे एक बात बताओ, जनवरी में कितने मंथ, जनवरी मंथ में कितने डेज रहते हैं बताओ, 31 डेज रहते, राइट। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने देखो 31 को यहाँ पे उन्होंने कैश बुक को क्लोज किया है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया ध्यान दो, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे कैशबुक का जो कैश कॉलम है और कैशबुक का जो बैंक कॉलम है ये दोनों इसका यहाँ पे उन्होंने टोटल लिया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते रहेंगे तो यही टोटल उन्होंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया फिर ये टोटल में से जैसे 70,000 है ना, इसमें से उन्होंने ये सारी चीजें माइनस करके यहाँ पे उन्होंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर,
बैलेंस फिगर मतलब क्या, उस मंथ एंड पे हमारे पास 3700 का कैश है और 3800 का हमारे पास बैंक का बैलेंस है, और यही इसको अपन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैरी डाउन। हमेशा याद रखना, जब भी मंथ एंड होगा तो उसको अपन कैरी डाउन करते अगले महीने में लेके जाते, और ये पैसे को अपन अगले मंथ के फर्स्ट डे पे क्या करते बोलो, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो गाइज आपको ये जो इलस्ट्रेशन नंबर वन है राइट, इसके अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हमने वहां पे किए, जिस प्रकार से हमने वहां पे कैश बुक किया, आई होप आपको ये समझ आओगा राइट। और लास्ट में मैंने वहां पे आपको बैलेंसिंग ऑफ जो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कैसे होता है, ये हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लिया है ना। तो आज आप लोग क्या करना मालूम है क्या, ये वीडियो देखने के बाद ये इलस्ट्रेशन नंबर वन है ना, ये आप घर पे जाके एक बार वापस सॉल्व करना, ठीक है, वापस प्रॉपर एक फॉर्मेट वहां पे प्रिपेयर करना, और ये सारी चीजें आप एक बार वापस घर पे करना। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री जो है ना माय डियर, कॉन्ट्रा एंट्रीज करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देके वहां पे आप कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस ये वीडियो में यहाँ पे ही रोकता हूं, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसके अंदर हम ये इलस्ट्रेशन नंबर जो सेकंड है ना वो वहां पे मैं आपको कंप्लीट करवा के दे दूंगा, ठीक है। सो आई होप गाइज मैं जैसे भी आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती रहेगी, और आप हर एक वीडियो को पक्का देखते होंगे राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।